हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार और झारखंड कोई भी राज्य से आप हैं तो यहां पर नई भर्ती आ चुकी है आप लोगों के लिए, और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि MIS कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बहाली निकली हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यह आज का ऑफिशियल अपडेट है 20 अगस्त 2019 का, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपडेट जो कि आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो मैंने वहाँ से इसको उठाया है कटिंग करके। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि एक निकला हुआ एनजीओ की तरफ से, यानी संघ है। ठीक है फ्रेंड्स, अडकी महिला संघ अडकी, जो कि ग्राम अडकी, पोस्ट अडकी, जिला खूंटी, झारखंड, पिन 835225, यानी ये झारखंड जिले से, सॉरी झारखंड राज्य के खूंटी जिला से ये आई हुई है वैकेंसी। तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि जो झारखंड के निवासी हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने झारखंड और बिहार दोनों लिख दिया है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। चलिए आप शुरू कर दिखाते हैं आपको इसका पूरा अपडेट। देखिए, पहला जो पोस्ट का नाम है वो है MIS कोऑर्डिनेटर, जो कि रिक्त संख्या है 1, और योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ BSc या BCA या IT सब्जेक्ट में अगर आप किए हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो वरीयता होगी वो MS एडवांस एक्सेल तथा इंटरनेट का ज्ञान है, तो आपको वरीयता मिलेगा। और जो सैलरी है वो 15,000 से लेकर 17,000 रुपये तक सैलरी मिलेगा, और इसमें यात्रा भत्ता भी आपको अलग से मिलेगा। दूसरा है क्लस्टर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि पदों की संख्या 2 है, इसमें भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए। और जो वरीयता देगा वो तकनीकी स्नातक डिग्री में कम से कम 2 वर्ष का आजीविका के क्षेत्र में कार्य अनुभव है, तो आपको इसमें मेरिट में आपको जगह मिलेगा, वरीयता मिलेगा। इसमें सैलरी है 10,000 से लेकर 12,000 रुपया, और साथ में आपको यात्रा भत्ता भी अलग से मिलेगा। तीसरा है एरिया कोऑर्डिनेटर, इसमें 1 पोस्ट है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, या MA या MSW है, तो आपको वरीयता मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट में है, मैनेजमेंट में है, और अनुभव है अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा में, तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। सैलरी है इसमें 16,000 से लेकर 18,000 रुपये तक, ठीक है, और इसमें यात्रा भत्ता अलग से मिलेगा। चौथा और लास्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 2 पोस्ट है, जो कि आप किसी भी संस्थान से आप पास किए हुए इंटरमीडिएट 10+2 और साथ में DCA या PGDCA कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी संस्थान में MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में अगर आप कार्य किए हुए हैं तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। और सैलरी इसमें 5,000 से लेकर 6,500 तक मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। और आवेदन आप कैसे करेंगे, मेन बात कि आपको जो बायोडाटा है, ठीक है, वो आपको भेजना है ईमेल पे। सो ईमेल आईडी दिया गया है यहाँ पर, देखिए मैं देखो दिखा रहा हूँ जूम करके, ERKIMAHILASANGA, ठीक है, @gmail.com, ये आपका रहा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ERKIMAHILASANGH, ठीक है, @gmail.com, यहाँ पर आपको अपना बायोडाटा भेजना है। और अभ्यर्थियों का जो लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन एवं जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको अलग से सूचित किया जाएगा। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपको 28 अगस्त 2019 है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी फॉर्मेट कहीं नहीं भेजना है, आपको सिर्फ अपना जो बायोडाटा है वो आपको भेज देना है इस मेल आईडी पे, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है संपर्क नंबर, 3 नंबर दिया गया है, देखिए दिखा रहा हूँ जूम करके, ये आप देख लीजिएगा, ये 3 नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था अपडेट जो आप लोगों को देना था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप ये PDF को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।